किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को आतंकवादी कहकर अपमानित करना भाजपा का निष्कृतम रूप है। अखिलेश ने रविवार सुबह ट्वीट कर किसान आंदोलन पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि किसानों को आतंकवादी कहकर अपमानित करना भाजपा का निकृष्टम रूप है। यह अमीरों की पक्षधर भाजपा का खेती खेत छोटा बड़ा व्यापार दुकानदारी सड़क परिवहन सब कुछ बड़े लोगों को गिरवी रखने का षड्यंत्र है। अगर भाजपा के अनुसार किसान आतंकवादी है तो भाजपा उनका उगाया न खाने की कसम खाएं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के चलते देश का किसान समुदाय आंदोलित और आक्रोशित है। अन्नदाताओं की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले दागना, ठंडे पानी की बौछार करना और लाठियां चलाना घोर निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 70% भारत कृषि पर निर्भर है, फिर भी अपने ही देश में भाजपा ने किसानों को बेगाना बना दिया है। अखिलेश ने कहा कि शांतिपूर्ण अहिंसात्मक प्रदर्शन करना लोकतंत्र में लोगों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की बात सुनने के बजाय अपनी हठधर्मी पर जमी है।